Yes. Once again, good morning. Good morning to you all in today's class. Today is Wednesday. And date is 12th January 2022. Okay. Dear students, today we have English, Hindi and EVS. ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? English, Hindi and EVS. ओके क्या मेरी आवाज जा रही है ना बेटा? यस मैम. तो ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, लेट्स स्टार्ट गायत्री मंत्रास. तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? L, M, N, O and T sound words. Okay? Three letter words हमें लिखने आना चाहिए. ठीक है? तो चलो आज हम लोग L से शुरू करते हैं. Ready? सारे बच्चे ready हैं? Yes. Where is Vansh? Vansh beta. चलिए अब हम लोग लिखते हैं L. L. L का थ्री लेटर वर्ड्स हम लोग क्या सीखेंगे? लेग, लेग. ये रहा L, E, G, लेग. ओके, अब देखिए यहाँ थ्री लेटर्स हुआ. L वन लेटर हुआ, E सेकेंड लेटर हुआ और G लेग थर्ड लेटर हुआ, है ना? ये क्या हो गया? लेग. नाउ सेकेंड इज लिप. ए आई पी लिप. ओके, स्टार्ट राइटिंग. आप लोग लिखिए. mm-hmm.
दीदी बंस बुला रहे हैं, पूछ रहे तो नहीं बता रहे कुछ। क्या मैम ना बोलो, तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो लिखिए, आपको तो लिखना आता है। इसमें लिखो, इसमें लिखो, स्टार्ट राइटिंग। एल ई जी लेग, लेग मीन्स क्या होता है, लेग पैर है ना। वी हैव टू लेग्स, वी हैव टू लेग्स, टू लेग्स है ना सबके पास। एंड एल आई पी लिप, लिप क्या है, देखो ये लिप है ना, एल आई पी लिप। नाउ नेक्स्ट एम, देखो आई एम थ्री लेटर वर्ड्स, एम से क्या होगा, यहाँ पे लिख मैन। ये देखिए बेटा, मैन मैम ने कैसे लिखा है, ये टू लाइंस जो ब्लू लाइंस है ना, इस ब्लू लाइंस के अंदर मैम ने लिखा है, रेड मैम को टच नहीं किया गया है। लेग में एल, ऊपर की रेड लाइन में एल को लिखे हैं, ऊपर की रेड लाइन को टच करते हुए ब्लू लाइन में टच किया, ठीक है। और ई टू ब्लू लाइंस में लिखे, जी कैसे बनाया, ब्लू लाइंस में लिखकर फिर नीचे की रेड लाइन को टच किए, तो ये हो गया लेग। ओके शुभांशु, आर यू राइटिंग ना, वेरी गुड अमन, अनन्या वेल डन, प्रियदर्शनी वेल डन। अब लिखो, यू लिखो इसमें बीच में ब्लू लाइन में, ये वाले, ये वाले खुश, आप लिख रहे हैं ना, मैं मेरे को, यस वेरी गुड, एंड ए एंड मैन। नाउ नेक्स्ट, मैन मींस आदमी, और सेकंड इज एम यू जी मग। देखिए एम को मैम ने ब्लू लाइंस में टच करके लिखा है, यू को मैम ने ब्लू लाइंस में लिखा है, और जी को मैम ने ब्लू लाइन में लिखा, लेकिन ये नीचे मैम ने रेड लाइन को भी टच किया है, ठीक है। मग आपको पता है ना, एम यू जी मग, मग हमारे बाथरूम में होता है ना, एम यू जी मग। अमन को पता है, लिखो इन आई एल लिखना है बेटा, आई लिखो पहले, ये वाला लिखना है, एन लिखो, एन जैसे अभी लिखे थे, एक वाला नाउ नेक्स्ट एन। लुक हियर, हाय मैम ने कहा लिखा, टू ब्लू लाइंस को टच करते हुए मैम ने एन लिखा है, ठीक है। तो एन फॉर क्या होता है, मैम ने बताया था ना, एन फॉर नेट, एन फॉर नेट, हाँ तो नेट कैसे लिखेंगे, नेट लिखेंगे, ओके एन नेट। नेट क्या होता है, नेट जाल होता है ना,
इसमें हम लोग मछली को फंसाते हैं। और आप अपने बेड में भी रात में नेट लगाते हो ना सोने से पहले, नेट क्यों लगाते हैं? वो हमें मच्छर ना काटे, अपने मच्छर से अपने आप को बचाने के लिए हम नेट लगाते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट, वेरी गुड बेटा, बिंदु नाउ निब। निब देखो क्या होता है, पेन होता है ना, पेन के आगे जिससे हम लिखते हैं ना, वो वहां पे जो लिखते हैं जहां से इंक निकलता है उसे हम निब कहते हैं, ठीक है। जहां से इंक निकलता है ना, जिससे हम लिखते हैं, पॉइंट जो होता है पेन का, उसे हम निब कहते हैं। अब निब की स्पेलिंग क्या होती है? निब की स्पेलिंग होती है एन आई एन। देखिए टू ब्लू लाइंस के बीच में एन लिखेंगे, ब्लू लाइंस को टच करते हुए आई लिखेंगे, और बी स्मॉल बी कैसे लिखते हैं, रेड लाइन को टच करते हैं, ब्लू लाइन तक आते हैं, ठीक है। और फिर वहां पर हम उल्टा सी बनाते हैं, बी बन जाता है, तो ये हो गया निब। अंकुश आप नहीं लिख रहे हैं क्या? लिख रहे हो? वेरी गुड, लिखिए। एन आई बी लिखी, बी बढ़िया से लिखो, बी बढ़िया से लिखो। गुड गुड। नाउ ओ, ओ भी मैम ने ब्लू लाइंस को टच करते हुए लिखा है, ठीक है। ओ, ओ फॉर मैम ने क्या बताया था, आउल, आउल है ना, आउल में उल्लू, ऊ से उल्लू, दिन को सोए उल्लू, है ना। तो उल्लू का इंग्लिश क्या होता है, आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल, ओ फॉर आउल। आउल की स्पेलिंग क्या होगी, ओ डब्ल्यू एल, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू एल आउल, ऐसा नहीं होता है, डब्ल्यू बढ़िया से लिखते हैं। देखिए ओ मैंने ब्लू लाइंस में लिखा है, डब्ल्यू भी ब्लू लाइंस में लिखा है, और एल हम लोग ऊपर की रेड लाइन को टच करके लिखेंगे। वेल डन अमन, आज तो अमन फर्स्ट होते जा रहे हैं, अमन तो बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, और अनन्या भी, प्रियदर्शनी ने भी लिख लिया, वेरी गुड। आई थिंक सौम्या ने भी लिख लिया, यस सौम्या हैंड रेज कर रही है, सौम्या ने भी लिख लिया है, प्रत्युष ने भी कंप्लीट कर लिया, और वंश भी लिख रहे हैं, शुभांशु भी लिख रहे हैं, वेल डन, और अंकुश भी लिख रहे हैं, वेल डन बेटा। और ओ फॉर थ्री लेटर वर्ड्स और क्या हो सकता है, आउट, आउट, यस आउट मीन्स बाहर, है ना, आउट। ओ ओ यू टी आउट। ओ मैंने ब्लू लाइंस में लिखा है, यू भी मैम ने ब्लू लाइंस में लिखा है, और टी देखिए रेड लाइन को टच करते हुए ब्लू लाइन पर आई है मैम, आउट। Now, letter P. P देखिए कैसे लिखिएगा, ब्लू लाइन से टच करते हुए नीचे के रेड लाइन में आएंगे बेटा, ओके, ब्लू लाइन्स को टच करते हुए नीचे की रेड लाइन में, अब यहाँ बनाएंगे P, ओके, अच्छा P फॉर पेन, P E N पेन।
मैम ने बताया ना, निब पेन के आगे जो होता है पॉइंट उसे कहते हैं निब, और ये रहा पेन, ओके, पी एन पेन। लिखो पी एन पेन, जैसे मैम लिखे एन पेन। अब आते हैं पिग, पिग एनिमल होता है ना, पिग एनिमल होता है, तो यहां भी लिखेंगे पी आई जी पिग। ब्लू लाइन पी आई आई जी पिग। वेरी गुड, नाउ शो मी योर वर्क अनन्या। शो मी योर वर्क। अब एक एक करके मुझे सारे बच्चे अपना वर्क दिखा दे। अनन्या, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। अनन्या, हियर इज योर रेड स्टार। नाउ प्रत्युष, शो मी योर वर्क। वेरी गुड राइटिंग, वेल डन, वेल डन। प्रत्युष, हियर इज योर रेड स्टार, वेरी गुड। नाउ अमन बेटा, शो मी योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड? वेरी नाइस, शो मी, शो मी। Yes. Very good writing. Well done, Aman. I'm ready. Your star. Yes, Soumya, now show me your work. Where is Soumya? Yes. Soumya ne khud likha hai. Didi ne help kiya. Very good, very good. Well done. Soumya, here is your red star. Very nice. Now, Vansh. Vansh, show me your work. अपनी हैंड में लीजिए, मुझे दिखाई देगा। Vansh, show me your work. Where are you? हाँ दिखाइए बेटा, आप अपने हैंड में लीजिए, मम्मा को बुलाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे हैंड में ले लीजिए। चलो अभी मुझे अंकुश दिखा रहे लगता है, बस दिखा रहे हैं, दिखाइए अंकुश। यस, शुभांशु, शुभांशु और ऊपर कीजिए। यस, वेरी गुड शुभांशु,
हियर इज योर रेड स्टार. ये आज तो सारे बच्चे रेड स्टार ले रहे हैं. वंस नाउ शो मी योर वर्क. वंस बेटा वंस शो मी योर वर्क. नहीं दिखाई दे रहा है. वंस का फेस दिख रहा है. नहीं रहा है देखो. अच्छा वंस आप नहीं दिखे हैं तो रोने की जरूरत नहीं है बेटा. रोइए नहीं, घबराना नहीं चाहिए. आप लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं बेटा. मैम आपको फिर व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आप देखिएगा. और अंकुश यस वेरी गुड राइटिंग अंकुश, वेल डन. बहुत अच्छी राइटिंग है अंकुश की. ये रही अंकुश के लिए स्टार. ठीक है तो अब रह गया वंश. वंश बेटा आप लिखिए. ओके घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से लिखिए. तो अब हम लोग इसे रीड करेंगे. ओके सारे बच्चे माइक अनम्यूट कीजिए. यहाँ पर कॉपी फाइल माइक अनम्यूट कर लीजिए. ऐसे ऐसे उसको खोलो. तो मैम लिखाई थी यस ठीक है. कॉपी नीचे रखो. अनम्यूट कीजिएगा. ठीक है ओके चलिए आप बोलिएगा. एल ई जी लेग. एल ई जी लेग. एल ई जी लेग. लेग. एल आई पी लिप. बोलिए एल आई पी लिप. लिप. यस. सारे बच्चे बोलेंगे. प्रत्युष अनम्यूट करो अपने आप को. वंश सारे बच्चे अपने आप को अनम्यूट कीजिए. वेर इज प्रियदर्शनी. अनम्यूट योर सेल्फ. चलो अब सब अनम्यूट हो गए ना. कुछ N-E-T-N-A-M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 -E-T-N-A
करके लिखेंगे आप उसे भी फॉलो कीजिएगा ओके okay?